मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा सीट पर अपनी साइकिल की रफ्तार से बीजेपी और बीएसपी के सभी समीकरण बिगाड़ रहे सपा प्रत्याशी रोहित शुक्ला के चुनाव लड़ने को लेकर आज सुबह आई एक खबर ने सभी के होश उड़ा दिए। देखिए इस वायरल मैसेज के सच की पूरी रिपोर्ट। दरअसल आज सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किए गए एक मैसेज में ये लिखा था कि मझुआ से सपा प्रत्याशी रोहित शुक्ला का टिकट कटा और अब नए प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। महज चंद मिनटों में वायरल हुई इस खबर ने मीडिया में सुर्खियां बनने के साथ ही सपा खेमी और मझुआ प्रत्याशी के समर्थकों में भी हलचल मचा दी। अब सबसे बड़ी बात है लोग अफवाहें दे रहे हैं, अफवाहें बातें न करें चाहिए। लेकिन इस बात की तस्दीक करने इनविजन टीम निकल पड़ी मझुआ प्रत्याशी रोहित शुक्ला के केंद्रीय कार्यालय, जहां मौजूद पार्टी नेताओं से इस वायरल हुई खबर के बाबत जानकारी ली गई। लेकिन ये खबर सच है या महज अफवाह, इसकी गहरी पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे मझुआ विधानसभा क्षेत्र के अक्सौली ग्राम में, जहां हमने खुद मझुआ के सपा प्रत्याशी रोहित शुक्ला से बात कर इस सनसनीखेज मैसेज का सच जाना। मिर्जापुर में सियासत तय करने के लिए 8 तारीख मुकर्रर हो गई। 8 वो तारीख है जब जनता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी और बताएगी कौन सा प्रत्याशी उनके दिलों में उतरा और कौन से प्रत्याशी को उन्होंने किनारा कर दिया। यानी 8 मार्च को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन इस चुनावी माहौल में एक सुबह सुबह एक खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई, हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। खबर ये थी कि सपा के मझुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रोहित शुक्ला के टिकट को लेकर एक अफवाह जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसी खबर को हमने भी देखा और इसी खबर की पड़ताल के लिए हम निकले मझुआ विधानसभा क्षेत्र के रोहित शुक्ला के क्षेत्र में। इस वक्त हमें अक्सौली ग्राम में, जहां हम बात करेंगे रोहित शुक्ला से यानी मझुआ विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी से और जानेंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये खबर सच है या फिर सिर्फ अफवाह। तो आप चलिए आप भी देखिए कि इस खबर की पड़ताल के दौरान हमने क्या पाया। पहचान बना चुके रोहित शुक्ला के टिकट को लेकर कुछ ऐसी अफवाहें आई जिन्हें हमने उसकी पड़ताल करने के लिए हम उनके क्षेत्र में निकले हैं और उनसे बात करेंगे ये खबर कितनी सच है और इस खबर में कितनी सच्चाई है। रोहित जी, जिस तरीके की अफवाह आ रही है आपके टिकट को लेकर, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मझुआ विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और विगत 30 सालों से मझुआ का विकास नहीं है। हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग अभी भी प्रचार कर रहे हैं। रही बात पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो निर्देश होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको कहेंगे कि तुम चुनाव मत लड़ो तो मैंने हालांकि अभी तक मुझे ना ऐसी कोई सूचना मिली है ना मुझे पता है। हम लोग मझुआ के विकास के लिए क्षेत्र में निकले हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि जब नामांकन का आज आखिरी दिन है, चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है और इस तरीके की अफवाहें कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को भी प्रभावित करती, तो क्या लगता है आपको कि ये अफवाहें किस तरीके से किन लोगों के द्वारा फैलाई गई होंगी? देखिए, एक पार्टी ऐसी है जो सिर्फ झूठ बोलती है और एक पार्टी ऐसी है जो काम नहीं करती है, वो पत्थरबाजी करती है। तो ये अफवाहों का साल चल रहा है, चुनावी वर्ष है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो जुमलेबाज हैं उनसे बचो, तो मैं मझुआ की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जुमलेबाजों से बचिए और मझुआ के विकास के लिए नौजवान, बुजुर्ग, महिला, वकील, मतलब किसान, हर वर्ग के लोग मझुआ का विकास चाहते हैं और इस बार न जाति की लड़ाई है न धर्म की लड़ाई है, इस बार विकास की लड़ाई है। तो कहते हैं कि जब कोई मजबूत प्रत्याशी होता है तो उसके लिए अफवाहें और उसके माहौल को बिगाड़ने की बहुत कोशिश होती है, कहीं एक सोची समझे साजिश तो नहीं कि इन अफवाहों के जरिए आपके जो चुनाव का जो चुनाव माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मझुआ का विधानसभा चुनाव इस तरफ एक तरफा है, पूरी जनता, पूरे नेता, पूरे हर वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और बहुत ज़्यादा अंतर, भारी अंतर से जीतेगी। उसका कारण ये है कि मझुआ का विकास आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। पंडित लोकपति त्रिपाठी जी, जिनका नाम लल्लू था और आज वही लल्लू शुक्ला, उन्हीं का निक नेम वाला रोहित शुक्ला लल्लू आज जनता के बीच आ गया है और मझुआ का सिर्फ विकास करने के लिए आया है। हम लोग जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से
हाथ पैर पकड़ के विकास कार्यों के लिए हम लोग टिकट लेके आए हैं, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करके मझवा का विकास कराएंगे और जमतुआ बंदी जो हमारी पहली प्राथमिकता है, बेलवन नदी का पुल, भटौली का पुल, मझवा में बिंद विश्वविद्यालय की स्थापना, झिंगरा हवाई पट्टी और पंप कैनाल जितने भी बंद पड़े हैं उनको चालू कराएंगे और कुछ नए नए ब्लॉक और मझरे स्तर पर हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके की अफवाह की साजिश रची गई है और जिस इस साजिश को जिसने भी बहुत सोच समझ के रचा है, अगर दो शब्दों में उन्हें जवाब देना चाहे तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक का नाम है भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिनका लोग कहते हैं भारत जलाओ पार्टी। तो सबको पता है कि लड़ाई विकास की लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में विकास कर रहे हैं, आज उनकी बराबरी कोई नहीं कर रहा है। उसी तरीके से मझवा विधानसभा में नौजवान चुनाव लड़ रहा है और नौजवान जनता है, 70% नौजवान मझवा के वोटर हैं और उन लोगों ने ठान लिया है कि इस बार मझवा का विकास करना है और पहली बार समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज कराना है। और अफवाहों पे ध्यान न दीजिए और आप लोग भी, मैं विशेष आप लोग को कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि देखिए हमारा सहयोग करिए और इस तरीके से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे बचिए। और आदरणीय हमारे नेता जिसका नाम लेकर कहा जा रहा है, माननीय शिवशंकर सिंह यादव, प्रभावती यादव, हमारी नेता है, हमारे बड़े भाई हैं और हमारी भाभी है, वो पार्टी का प्रचार साथ है और हम लोग उनके साथ इस बार उनके नेतृत्व में हम लोग 2017 का चुनाव जीतेंगे, मझवा विधानसभा में समाजवादी पार्टी परचम लहराएगा। धन्यवाद। इन्विजन के मंच सभी लगातार अपने रूठे हुए नेताओं की मनाओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित शुक्ला लगातार अपने गांव में घूम रहे हैं, अपने मझवा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों को बताना, उन्होंने इस अफवाह का पूरी तरीके से खंडन किया है कि टिकट बंटवारे को लेकर जो भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अफवाहें आ रही हैं, वो सारी गलत हैं। अभी वो इस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार मझवा का विकास करेंगे और सपा के खाते में से हर बार ये सीट फिसल जाती थी लेकिन इस बार वो इस सीट को सपा के झोली में लाएंगे। रोहित शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।